इस वक्त के गुजरने का पूरा देश कर रहा है इंतजार, क्योंकि सरकार के सामने आ गई है कोरोना की दीवार। नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कोरोना की जंग में दो दो हाथ करने वाले बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तक भी ये वायरस पहुंच गया। बिग बी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल रात उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की जारी बयान के मुताबिक बिग बी ठीक हैं, उनमें हल्के लक्षण हैं, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ ही अभिषेक बच्चन भी कल नानावती अस्पताल में कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भर्ती कराए गए थे। वहीं आज दोपहर 3 बजे के आसपास ऐश्वर्या और आराध्या के भी कोविड-19 पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, लेकिन दोनों एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि दोनों में कोरोना के लक्षण नहीं है, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इसीलिए अब उनको होम क्वारंटीन रहना होगा। अभी वो घर में ही है, ये रिपोर्ट देखिए। There's always fear, there's perhaps a depression, but please do not despair, do not panic. आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता, परिवार तो आपका भला ही चाहता है। कोरोना की जंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, बार बार लोगों को आगाह करने वाले, कोरोना से बचने का संदेश देने वाले बॉलीवुड के महानायक खुद कोरोना की चपेट में आ गए तो लोग सन्न रह गए। देश जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगा, लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही। उन्होंने रात 10:54 पर ट्वीट किया, मुझे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं, अस्पताल अथॉरिटीज को सूचित कर रहा है, परिवार और बाकी स्टाफ टेस्ट करवा रहे हैं, जांच के नतीजों का इंतजार है। पिछले 10 दिनों में जो भी मेरे काफी करीब रहे हैं उन सभी से निवेदन है कि अपना टेस्ट करवा लें। 77 साल के अमिताभ बच्चन को फौरन नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल ने भी उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। उनका एंटीजन रैपिड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। अब उनका एंटीबॉडी टेस्ट हुआ है जिसकी रिपोर्ट आज आ सकती है। आज सुबह नानावती अस्पताल ने बयान जारी किया। इस बयान में कहा गया है कि अमिताभ बच्चन स्थिर हैं, उनमें हल्के लक्षण हैं, फिलहाल उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। थैंक यू सो मच नानावती हॉस्पिटल एंड ऑल द नर्सेज एंड डॉक्टर्स एंड द पीपल दैट आर वर्किंग देयर, द स्टाफ एट नानावती हॉस्पिटल। आई हैव हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एवरी टाइम आई हैव बीन टू योर फैसिलिटी, और मैं जानता हूं कि आपका स्नेह, आपका प्यार मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक रहा है। अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों को ही माइल्ड सिम्टम्स है, हल्के लक्षण हैं, जिसकी वजह से वो फिलहाल उन्हें आइसोलेशन जो वार्ड है वहाँ पे रखा गया है अस्पताल, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स को ही एडमिट किया जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ के ये जो प्राइवेट निजी अस्पताल है यहाँ पर उन्हें दोनों लोगों को एडमिट किया गया है। अमिताभ का ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, रात में 95 दर्ज किया गया था। नानावती अस्पताल हर रोज बिग बी की सेहत पर अपडेट जारी करेगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने खुद इसका ऐलान किया। अमिताभ बच्चन के बेटे और फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्हें भी बिग बी के साथ नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभिषेक बच्चन ने भी अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी ट्वीट करके साझा की है। अभिषेक ने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे और मेरे पिता को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हम दोनों में ही बहुत हल्के लक्षण पाए गए थे और हमें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। हमने सभी जरूरी अथॉरिटीज को इसकी जानकारी दे दी है और हमारे परिवार और बाकी स्टाफ का टेस्ट किया जा रहा है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि धैर्य बनाए रखें और पैनिक नहीं हो। अब बिग बी के घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। सुबह सुबह बीएमसी की टीम पूरे बंगले को सैनिटाइज करने पहुंची। पर हम आपको बता दें, इस वक्त पे बीएमसी और के कर्मचारी जो है, बीएमसी के जो अधिकारी हैं, पहुंच चुके हैं जलसा के बाहर। और ना सिर्फ सैनिटाइजेशन प्रोसेस अभी बहुत जल्द चालू होगा, और ना सिर्फ जलसा पर की, और जो दो प्रॉपर्टीज हैं अमिताभ बच्चन की, प्रतीक्षा और जनक, दोनों तीनों बंगलों को बंगले को
पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। जलसा के बाहर सैनिटाइजेशन का जो काम है, जलसा के बाहर और बंगले के अंदर भी एक एक कोने को सैनिटाइजेशन करने का जो काम है वो बीएमसी अधिकारी उठा चुके हैं और अब करना उन्होंने शुरू कर दिया। मुंबई में कोरोना के केस 90,000 को पार कर गए। बिग बी का बंगला भी मुंबई के उन इलाके में है जहां कोरोना के काफी मामले हैं। जलसा केडब्ल्यू वार्ड में आता है जो कोरोना मामले को लेकर मुंबई में चौथे नंबर पर है। इस वार्ड में कोरोना के 5300 केस हैं, जिनमें 1445 केस अब भी एक्टिव हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3616 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। अब बारी बिग बी की है, वो भी जल्द कोरोना को मात देकर लौटेंगे। कोरोना हारेगा, बॉलीवुड के महानायक जीतेंगे। मुंबई से विद्या और तनुश्री के साथ आज तक ब्यूरो। अपने नायक की सलामती के लिए लोगों ने मंदिर मस्जिद का भी रुख किया। मंदिरों में अमिताभ बच्चन के ठीक होने के लिए पूजा की जा रही है तो मस्जिदों में कोरोना की जंग जीतने के लिए दुआ मांगी जा रही है। हर तरफ एक ही आवाज, पूरा परिवार जल्द ही ठीक हो जाए। बिग बी अस्पताल में कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं तो देश भर में अपने महानायक के लिए पूजा पाठ और दुआएं मांगी जा रही हैं। मुंबई में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को कोरोना से मुक्त कराने के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। हाथ में बिग बी का पोस्टर लेकर उनके फैंस मंत्र जाप कर रहे हैं। काशी में संतों और अमिताभ बच्चन के चाहने वालों ने राम जानकी मंदिर में पूजा की। भगवान के दरबार में बिग बी की तस्वीर लगी थी जिस पर लिखा था, कोरोना की जंजीर तोड़ेंगे अमिताभ। साधु संतों ने भजन कीर्तन कर पिता पुत्र के लिए प्रार्थना की। उन्हें भरोसा है कि काशी विश्वनाथ उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उनके स्वास्थ्य के लिए हम सभी यहाँ अखिल ब्राह्मण समाज की तरफ से अखंड नाम संकीर्तन, हवन, पूजन, कीर्तन प्रारंभ किए हैं और उनके बहुत जल्दी स्वास्थ्य के सुधार होने के लिए, ठीक होने के लिए हम सभी कीर्तन भजन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमिताभ बच्चन के लिए रुद्राभिषेक का पाठ हो रहा है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भोपाल के दामाद अमिताभ बच्चन के लिए जल्द स्वस्थ होने के लिए विशेष पूजा की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंदिर में रुद्राभिषेक कराया जा रहा है ताकि अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन जल्द कोरोना महामारी को मात देकर स्वस्थ हों और एक बार फिर से अपने घर लौट सके। हम यहाँ पर रुद्राभिषेक करके जो है प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के महानायक अमिताभ बच्चन को शीघ्र स्वस्थ करें और शीघ्र स्वस्थ करके वो वापस जो है फिल्म इंडस्ट्री में आकर और हमारे लोगों का मनोरंजन करें। मध्य प्रदेश के सीहोर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की स्वास्थ्य कामना के लिए सिद्ध विनायक मंदिर में विशेष पूजा की गई। मंदिर के पुजारी ने मंत्र जाप कर भगवान से जल्द ठीक होने की कामना की। शेष पूजा अर्चना धर्शीष के वाचन के साथ और भगवान भोलेनाथ के रुद्र अभिषेक के साथ प्रार्थना की गई कि उनका परिवार शीघ्र स्वस्थ और आनंद में हो जाए। देवता विश्वामित्र ऋषि। कोलकाता में भी सदी के महानायक के लिए पूजा पाठ की गई। शिव मंदिर में बिग बी के जल्द ठीक होने के लिए यज्ञ हुआ तो बेहाला इलाके में ऑल सेलिब्रिटी फ्रेंड्स क्लब में पूजा की गई। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास बॉलीवुड के महानायक के लिए यज्ञ किया गया। जल्द कोरोना संक्रमण मुक्ति के बोल के साथ फैंस ने हवन किया। बॉलीवुड के हमारे देश के फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े महानायक, सबसे बड़े कलाकार मैं, हम लोग सभी हम मिलकर यज्ञ कर रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो। बिग बी के चाहने वाले शहर शहर मंदिर मंदिर जा रहे हैं, हर भगवान के दर पर सिर झुका रही हैं। जुबां पर बस दुआ है, दिल में प्रार्थना है, बस यही चाहत है कि कोरोना हार जाए और बॉलीवुड के शहंशाह जीत जाएं। कोरोना की कोई दवा नहीं है लेकिन करोड़ों लोगों की दुआ और प्रार्थना की अपनी ताकत है। कोरोना की दीवार जरूर टूटेगी, बॉलीवुड के सरकार जरूर जीतेंगे। भोपाल से रविश पाल सिंह, वाराणसी से रोशन जायसवाल और मुंबई से गोविंद ठाकुर के साथ आज तक ब्यूरो। 2005 में अमिताभ को छोटी आंत का संक्रमण हुआ। अमिताभ को पहले दिल्ली के एस्कॉर्ट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, बाद में अमिताभ मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए। नवंबर 2005 में ही अमिताभ की छोटी आंतों की सर्जरी हुई।
अमिताभ की कामयाबी की कहानी संघर्षों की पूरी दास्तान है। 40 सालों तक अमिताभ तरह तरह की बीमारियों से जूझते रहे। कुली की चोट धीरे धीरे उनके लीवर को खत्म करती रही। अमिताभ ने खुद माना कि उनके लीवर का 25% हिस्सा ही काम के लायक रहा। 2008 में अमिताभ बच्चन एक बार फिर गंभीर रूप से बीमार पड़े। 2008 में पेट दर्द पर उनकी एक और सर्जरी कराई गई। 2010 में अमिताभ बच्चन को लीवर सिरोसिस की पुष्टि हुई। 2012 में अमिताभ बच्चन के पेट का एक और ऑपरेशन हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।